लोग को यह देश के चुनाव में एहसास करा रहे हैं कि उनके सारे षड्यंत्रों का जवाब हम वोट के जरिए देंगे। मुरैना चंबल की ये सम्मानित धरती और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम मुरैना के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चंबल की शान को बरकरार रखा, उन्होंने चंबल के जनून जलवे को भी बरकरार रखा। साथियों, देश के हालात अच्छे नहीं है, इन नाच हालातों में हमारे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस शोषित वंचित समाज को जो अधिकार हमारे महापुरुष अपने जीवन का बलिदान करके देके गए हैं उनकी रक्षा सुरक्षा करें और उन समान अवसरों को लंबे समय तक लागू करा के रखें जिस देश में जो सामाजिक और ऐसी आर्थिक बराबरी है वो खत्म हो गए, भाईचारा बने, क्षमता मूलक समाज बने, कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, जाति धर्म के आधार पर किसी का शोषण न हो और इन सबको संविधान के रूप में इन सारी समस्याओं को ठीक करने की चाबी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में हमें देके गए। अब हमारा फर्ज यह बनता है कि हम अपने महापुरुषों के द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का काम करें, अपने संविधान की रक्षा सुरक्षा करने का काम करें, उसको लागू कराने का काम करें। मुझे अनुरोध करना पड़ रहा है कि जो जहां खड़ा है वो वहां बैठ जाए, जो नए लोग हैं वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। साथियों, एक भव्य मंच आप लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से सजाया और यहां SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी कि बहुजन समाज के बड़े पैमाने पर लोग आए हैं। यहां बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। मैं आज सामाजिक न्याय यात्रा पर चर्चा आपसे करूंगा कि हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। सामाजिक न्याय यात्रा निकालने का हमारा मकसद बात यह है कि मध्य प्रदेश में 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी, लेकिन जिनकी आबादी ज्यादा है उनका राज मध्य प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन जिनकी आबादी ज्यादा है उनको रोज रोज अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए, यहां तक कि अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, यहां तक कि जब अन्याय का जो होता है उस पर न्याय के लिए, उसका एकमात्र कारण यह है बेटा बहुजन समाज एकजुट नहीं है और उनकी एकजुटता न होने के कारण वो लोग जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में कम है, जिनकी विचारधारा भी एक वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो इस देश में सामाजिक गैरबराबरी, जाति बनाकर जो भाईचारा तोड़कर गैरबराबरी बनाई गई है और जो आर्थिक गैरबराबरी है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक भारत में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का राज स्थापित नहीं हो सकता। पिछले 72 सालों में तमाम सरकारें आई, सरकारें वादा करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप उनसे अगर हक अधिकार की बात करो तो वही सरकारें लाठी डंडों से, पुलिस से बचवा के आपको जेल भेज देती। आप अपने हक अधिकार के अंदर सड़क पे आओ तो आप में झूठा मुकदमे और राशुका लगाई जाती है। आप आंदोलन करो तो
तो आपको नजरबंद कर दिया जाता है या आपको ड्राय धमकाया जाता है। साथियों, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। हमारे महापुरुषों ने अपना अपने जीवन का मूल्य समय और बलिदान करके भारत में लोकतंत्र दिया था संविधान के जरिए। जहां पैसे में लोग राजनीति करके लोकतंत्र को अपने पैरों में कुचल रहे हैं, जो न्याय सत्ता स्वयं से अधिकार है उस न्याय के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, उस न्याय के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है भारत में। और ये अधिकारों को समझे और इन मूर्ख बनाने वाली सरकारों के भरोसे न रहे। हमारी साथियों, अभी आपने देखा एक दो दिन पहले यहां एक आंदोलन चल रहा है भोपाल में, और उस आंदोलन में वो लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आपने ये आंदोलन करके मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के दलित पिछड़े आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है जो पिछड़ी जातियों में आते हैं उनको यह एहसास कराया कि आप कभी भी उनके हितैषी नहीं थे, आप हमेशा उनके अधिकारों को कुचलने का काम करते हो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आंदोलन में न सरकार की सह के नहीं हो रहा, इस आंदोलन में सरकार की सह है। अगर हम आंदोलन करने आए किसी ओबीसी मोर्चा के बैनर पे, मुझे एयरपोर्ट से नजर में रखा जाए 16 घंटे, मैं किसी अगले आंदोलन में आकर फ्लाइट कैंसिल करवा दी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन ये आंदोलन ना चल रहा है और ये आंदोलन आरक्षण के खिलाफ है, हमारे अधिकार एससी के खिलाफ है। और इस आरक्षण इस आंदोलन को पुलिस सुरक्षा देकर करवा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार में बैठे हुए लोग बीजेपी और आरएसएस के लोग जो काम किए दरवाजे से नहीं कर सकते, वो इस तरह का आंदोलन करवा के हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहां के मुख्यमंत्री और पार्षद से कहना चाहता हूं कि हमें कमजोर समझने की गलती मत करना मुख्यमंत्री जी। शिवराज चौहान जी को हम लोग 2023 के चुनाव में एहसास करा देंगे कि उनके सारे सहयोग